दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना द्वारा महामारी फैलाने के बाद अगर चाइना के अलावा किसी और देश को फायदा हुआ है तो वो है ताइवान, जबकि दुनिया को इस महामारी फैलने के बाद ही ताइवान के महत्व के बारे में भी पता चला है। हाल ही में अमेरिका द्वारा ताइवान के साथ हस्ताक्षर किया गया कुछ कानूनों के बाद चाइना काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ है। इन कानूनों को पास करने के बाद माना जा रहा है कि ताइवान का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फिर से लौट के आ सकता है और ताइवान आने वाले समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों में ऑब्जर्वर या फिर परमानेंट मेंबर हिसाब से पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। और इसे लेके चाइना काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और चाइना के तरफ से फिलहाल ताइवान को धमकाने के लिए मिलिट्री हथकंडे भी अपनाया जा रहा है। सुनने को ये भी आया है कि चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेजन मतलब मिलिट्री कब्जे के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि चाइना द्वारा क्या क्या नया हथकंडा अपना के ताइवान को धमकाने का कोशिश किया जा रहा है और कैसे चाइना मिलिट्री इन्वेजन का प्रिपेरेशन कर रहा है। दोस्तों सुनने को आया है कि चाइना द्वारा शुक्रवार के दिन अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला J-10, J-11, KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और कुछ दूसरे हथियारों के साथ ताइवान के नजदीक एक लाइव मिलिट्री ड्रिल कर रहा था। यह असल में चाइना का कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि चाइना द्वारा ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए मिलिट्री प्रिपरेशन है। चाइनीज मिलिट्री के एक्सपर्ट सॉन्ग जोंगपिंग द्वारा ग्लोबल टाइम्स में एक इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि यह असल में चाइना का ताइवान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रगल है, जिसमें चाइना अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और साथ ही ये आए दिन फ्रीक्वेंटली और बड़े आकार का होते जा रहा है। जबकि ताइवान के स्टेट मीडिया में भी ये बताया गया है कि चाइना द्वारा ये पहला बार ऐसा हरकत नहीं किया गया, बल्कि महामारी फैलने के बीच ही जनवरी महीने से लेके अब तक ऐसा 4 बार चाइना द्वारा ताइवान के बॉर्डर के नजदीक और सीमा के अंदर इस तरीके का एक्सरसाइज किया गया। 9 फरवरी के दिन चाइना द्वारा जहाज और एयरक्राफ्टों की मदद से ताइवान के नजदीक कॉम्बैट पेट्रोलिंग किया गया, जबकि 10 फरवरी के दिन यहां पे एक जॉइंट एक्सरसाइज भी किया गया जिसमें चाइनीज एयरफोर्स और नेवी शामिल हुए थे और एक्सरसाइज को रात में भी अंजाम दिया गया। 10 फरवरी के बाद 16 मार्च के दिन और एक एक्सरसाइज चाइना द्वारा इसी एरिया में कंडक्ट किया गया, जबकि आखिरी एक्सरसाइज शुक्रवार के दिन चाइना ने कंडक्ट किया। दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज उसी समय हुआ जब दुनिया में महामारी बुरी तरीके से फैल रहा है। ताइवान के मीडिया में ये भी क्लेम किया गया है कि शुक्रवार के दिन एक्सरसाइज में चाइनीज वॉरप्लेनों ने वेस्टर्न पैसिफिक तक उड़ान भरा था और इस उड़ान के रूट के हिसाब से वैसी चैनल को चुना गया जो ताइवान के सरहद के अंदर आता है और चाइना ने इसका उल्लंघन करते हुए एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। चाइनीज एक्सपर्टों द्वारा एक तरीके से ताइवान को धमकाते हुए इस तरीके के एक्सरसाइज को और रेगुलर और मजबूत तरीके से और ज्यादा संख्या में करने का बात उठाया गया। सॉन्ग जोंगपिंग के द्वारा ग्लोबल टाइम्स में ये भी बताया गया है कि इस एक्सरसाइज के बाद ताइवान को समझ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल मदद के साथ ताइवान अपने आप को चाइना के चंगुल से बचा नहीं सकता, जबकि ताइवान को ये भी समझ लेना चाहिए कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा ताइवान के ऊपर आसानी से कब्जा किया जा सकता है और इसमें चाहे कोई भी देश ताइवान के पक्ष में आके खड़े हो। दोस्तों ये एक तरीके से ताइवान के सॉवरेंटी के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट है। दोस्तों वैसे भी अगर देखे तो ये ताइवान के सॉवरेंटी के ऊपर पहली बार थ्रेट नहीं है। 1950 से ही चाइना द्वारा ताइवान को देश का स्वीकृति नहीं दिया जाता है और इसके लिए चाइना के तरफ से अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेज को भी बहुत हद तक इस्तेमाल किया गया। चाइना अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेज के द्वारा बहुत सारे देशों को वन चाइना पॉलिसी के ऊपर मनवाने में सफल रहा, जिससे ताइवान को चाइना का हिस्सा इंटरनेशनली बताया जाता है, लेकिन कुछ देशों के सपोर्ट ना होने के वजह से ताइवान अभी भी एक इंडिपेंडेंट आइलैंड के हिसाब से रहता है। दोस्तों इन देशों में सबसे प्रमुख है अमेरिका और हाल ही में अमेरिका द्वारा ऐसा कुछ लॉ को पास किया गया है जिसके बाद से चाइना का बौखलाहट और काफी गुना बढ़ चुका है। हाल ही में अमेरिका द्वारा जो लॉ को पास किया गया वो है ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट इनिशिएटिव। दोस्तों इस लॉ के द्वारा अब ताइवान दुनिया के बाकी देशों द्वारा भी रिकॉग्नाइजेशन पाने में समर्थ रहेगा, क्योंकि इस लॉ के तहत अमेरिका अब उन देशों के खिलाफ इकोनॉमिकल सिक्योरिटी वाइज और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कम करेगा जो ताइवान को अंडर एस्टिमेट करता है। मतलब एक तरीके से जिन देशों द्वारा अब तक ताइवान को स्वीकार नहीं किया गया या फिर जो देश चाइना के लाइन को टो करते हुए ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानता है उनके ऊपर अमेरिका अब डायरेक्ट प्रहार करेगा और अमेरिका के इस प्रहार से बचने के लिए बहुत सारा अमेरिकी एलाई जो अब तक अमेरिका के साथ रहते हुए चाइना के लाइन को टो करता था वो अब ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश के हिसाब से स्वीकृति देने
में मजबूर हो जाएगा। दोस्तों माना ये भी जा रहा है कि इसकी वजह से जिस ताइवान को अब कुछ गिने चुने देशों द्वारा एक इंडिपेंडेंट देश के हिसाब से सहमति दिया गया था उनमें काफी जल्द कई ज्यादा बढ़ोतरी होगा और आने वाले समय में बहुत सारे देशों के साथ ताइवान का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मजबूत होगा। दोस्तों माना ये भी जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस पदक्षेप को उठाने के बाद सबसे पहले ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जबकि इंडिया भी ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने का पक्ष में है। इंडिया के साथ फिलहाल ताइवान का ट्रेड रिलेशनशिप है, पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा और ताइवान इस रूल के मदद से दूसरे देशों के साथ अपने सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत कर पाएगा। तो कुल मिला के चाइना का जो सबसे सेंसिटिव हिस्सा है अमेरिका ने उसके ऊपर प्रहार किया और अमेरिका के साथ देने में अब लगभग दुनिया के 190 देश सामने आएगा जो चाइना के द्वारा फैलाया हुआ इस महामारी से काफी ज्यादा ग्रसित है और चाइना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रस्तुत है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका का ये नया रूल से चाइना के ऊपर कितना असर पड़ेगा और चाइना क्या महामारी को फैलाने के बाद और एक बड़ा गलती के तहत ताइवान के ऊपर मिलिट्रीली कब्जा करने का कोशिश करेगा? और अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर कब्जा करने का कोशिश किया तो ये चाइना के लिए कितना बड़ा गलती होगा? कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।